नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। काशीपुर में एक्सिस बैंक के एटीएम से 16 लाख रुपए की नकदी हड़पने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लाख रुपए नकद और एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है। इस बात को लेकर काशीपुर एएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि सीएमएस कंपनी हल्द्वानी के शाखा प्रबंधक विजय सिंह ने उनकी कंपनी में काम करने वाले दो कस्टोडियन द्वारा एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे डालने के बाद 16 लाख रुपए का गबन करे जाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे देखते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे 10 लाख रुपए कैश बरामद किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि जब कस्टोडियन देवेश यादव एटीएम में रुपए जमा करने जाता था तो अपने दूसरे साथी को किसी दूसरे काम में व्यस्त रखकर एटीएम को हाफ लॉक करके छोड़ देता था, और जैसे ही कस्टोडियन टीम एटीएम से वापस चली जाती थी तो देवेश अपने साथियों को एटीएम में बुलाकर मामले को अंजाम देता था। मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी उधम सिंह नगर ने 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। काशीपुर से संवाददाता राजेश शर्मा की ये रिपोर्ट। तो जैसा इनके द्वारा बताया गया कि इसको हाफ लॉक करके छोड़ दिए। अच्छा, हाफ लॉक पैसे डाल दिए, हाफ लॉक करके छोड़ दिए। फिर उनको बुलाया थोड़ी देर बाद, और तब उन्होंने फिर निकाल निकाल के अपना फिर उसे वो कैश को डिक्रीज कर दिया, कार्ड वगैरह सब वो इनपुट इनपुट करके वो कर दिया, तो कैश डिक्रीज हो गया उसमें 16 लाख। उसमें भी ये पता चला कि एक अभियुक्त है इनमें से, उसके किसी रिलेटिव के नाम पे है और घटना के बाद ली गई है और डाउन पेमेंट उस पर हुआ अच्छा खासा, जो पैसे हैं इसी में से गएंगे। बाकी वैसे ये पिछले महीने 22 फरवरी को सीएमएस जो कंपनी है उनके मैनेजर के द्वारा थाना काशीपुर पर एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके कंपनी के कुछ कर्मचारियों के द्वारा एक्सिस बैंक का एटीएम है उसमें कैश लोड किया गया था, और जब स्टेटमेंट उसका चेक किया गया तकरीबन 10-15 दिन बाद तो उनको पता चला कि 16 लाख का गबन इनके कर्मचारी के द्वारा किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा FIR कायम करवाई गई और उसके विवेचक जो हमारे चौकी इंचार्ज मास फोटाम श्री रविंदर विश्व दरोगा जी उनके द्वारा जाँच प्रारंभ की गई। इस दौरान जो है ASP CO काशिप साहब के द्वारा, SHO साहब के द्वारा, मेरे द्वारा उनको जो है दिशा निर्देश दिए गए और उसी का नतीजा है कि हमारी टीम जो है अत्यंत सफलतापूर्वक कार्य करते हुए अल्प समय में ही इस अभियोग का खुलासा किया गया है, और इस अभियोग से संबंधित 5 अभियुक्तों को कल गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से तकरीबन जो गबन की गई राशि में से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, एक कार जो MP नंबर की है स्विफ्ट डिजायर उसको भी बरामद किया गया है, जिसके अभी प्रथम दृष्टया ये सूचना मिल रही है कि जो पैसा गबन किया गया था उसी पैसे का इस्तेमाल इस कार को खरीदने में किया गया है। इसके उपरांत कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं, तो हमारी काशीपुर पुलिस का जो है ये अत्यंत ही सराहनीय कार्य है, इतनी बड़ी रिकवरी जो है इतने अल्प समय में की गई है, और इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो भी बड़ा सातिराना था, और इसमें एक कर्मचारी जो है पहले भी इनके CMS कंपनी में कार्य कर चुका था तो वही इसका मास्टरमाइंड था, और बाकी जो दो लड़के हैं वो इनके दोस्त थे जिनको सबने मिल के जो है एक गैंग बना के इस कार्य को अंजाम दिया। इसमें संबंधित घटना में सभी लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है, और भी जानकारी की जा रही है कि अन्य जनपदों में इन्होंने इसी प्रकार की घटना तो नहीं की है, उसके संबंध में जानकारी की जाएगी और आगे भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। पुलिस को जो है SSP महोदय के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करने हेतु उत्साहवर्धन हेतु 2500 के इनाम की घोषणा की गई है।